यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा, विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी वही हिस्सा ले सकेंगे विधानसभा सत्र में। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ऐसे में सत्र पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा, विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी वही हिस्सा ले सकेंगे विधानसभा सत्र में। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ऐसे में सत्र पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा, विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी वही हिस्सा ले सकेंगे विधानसभा सत्र में। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ऐसे में सत्र पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा, विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी वही हिस्सा ले सकेंगे विधानसभा सत्र में। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ऐसे में सत्र पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा, विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी वही हिस्सा ले सकेंगे विधानसभा सत्र में। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ऐसे में सत्र पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। और एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा। विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। आज भी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा, विधानसभा सत्र से पहले कोविड टेस्ट कराने की तैयारी है। जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी वही हिस्सा ले सकेंगे विधानसभा सत्र में। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अब ऐसे में सत्र पर कोरोना का साया मंडरा रहा है।